लफ्जों से भरे खाली जो भरे कुछ क्या बात है सर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइस, प्रीव्यू में आपने जो वीडियो देखा, जो स्टेटस देखा, ये इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है इस तरीके का स्टेटस, ठीक है। ये जो इफेक्ट है, कैसे ऐड करना है, कहाँ क्रिएट करना है, इस वीडियो में कंप्लीट आपको समझाने वाला हूं। और हाँ, कोई भी XML या प्रीसेट नहीं मिलेगा, वीडियो को आपको स्टार्ट से एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा ट्यूटोरियल पे आऊँगा। इस तरीके का ट्यूटोरियल बनाने के लिए आपको, वीडियो बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, एक होगा VN और दूसरा होगा एलाइट मोशन ऐप, ठीक है। तो सबसे पहले VN एप्लीकेशन को ओपन, VN ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फोटो सेक्शन पे जाना है, ठीक है। फोटो सेक्शन पे जाने के बाद अभी आपको अपने सॉन्ग का लिरिक्स के हिसाब से जितना लिरिक्स में लाइन होगा उतना आपको इमेज सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4-5 इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ जिस तरीके से आपको अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर आपको ओरिजिनल दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस को आपको सबको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। पूरा 9:16 रेशियो में सभी इमेज को एडजस्ट कर लेना है। जो इमेज नहीं है 9:16 रेशियो को कंप्लीट कर लेना है 9:16, ठीक है। तो मेरा इमेज यहाँ पे सभी 9:16 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अभी आपको यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे जाना है और आपको यहाँ पे माय म्यूजिक पे जाके जो भी आपका सॉन्ग है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा सॉन्ग है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो सॉन्ग है, सॉन्ग पे 4 लिरिक्स है, ठीक है। तो 4 लिरिक्स के हिसाब से फर्स्ट लिरिक्स जहाँ पे एंड हो रहा है मैं सुन लूँगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट लिरिक्स यहाँ पे एंड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इमेज को उस पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है। इस तरीके से लेके आ जाना है। सेकेंड लिरिक्स सुन लेना है, जहाँ पे एंड हो रहा है उस पॉइंट पर लेके आ जाना है, ठीक है। आपको सुन लेना है लिरिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे माइक यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको अंदाजे से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको लिरिक्स सुन लेना है। उसके बाद थर्ड लिरिक्स जहाँ पे एंड रहा है, इमेज को सिलेक्ट करना है और लिरिक्स को भी उस पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ जो लिरिक्स है इसको भी आपको यहाँ पे सुन के यहाँ पे क्या करना है, जो इमेज जहाँ तक है वहाँ पे लेके आ जाना, जहाँ पे लिरिक्स वहाँ पे एंड रहा है वहाँ पे लेके आ जाना है और लास्ट इमेज को डिलीट कर देना है, क्योंकि इतना हमारा लिरिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इफेक्ट्स ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इफेक्ट्स ऐड करने के बाद ये जो इमेज है ये टाइमिंग का ड्यूरेशन फिर से आ जाएगा, तो मैं आपको फिर से दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट ऐड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज के बीच में आपका प्लस दिखाई दे रहा है, सिंपल से आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे राइट स्वाइप करना है, डिजॉल्व टू दिखाई दे रहा है, डिजॉल्व टू सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिजॉल्व टू सिलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है और ड्यूरेशन को 0.8 सेकंड रखना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस पे क्लिक करना है, फिर से डिजॉल्व टू सिलेक्ट करना है, 0.8 सेकंड रखना है, राइट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट प्लस पे जाना है, डिजॉल्व टू सिलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है, 0.8 सेकंड रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी जब आप क्या करोगे, इफेक्ट्स ऐड करोगे तो जो इमेज का ड्यूरेशन है वो लिरिक्स के हिसाब से मैच नहीं होगा, तो आपको फिर से लिरिक्स सुन लेना है, जहाँ पे एंड हो रहा है उस पॉइंट पे आ जाना है और इमेज को ड्रैग करके उस पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है गाइस। समझ के इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी इमेज को इस तरीके से फिर से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। लिरिक्स जहाँ पे एंड रहे उस पॉइंट तक इमेज को लेके आ जाना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। अभी आपको यहाँ पे करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेने के बाद इस वीडियो को आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। ऊपर आपको यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे ब्लू कलर का शेव ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और इस वीडियो को आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव ओनली पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव ओनली पे क्लिक करने के बाद जो अभी आपने वीडियो क्रिएट किया है, अभी जस्ट इस वीडियो को फिर से आपको यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है, सेम वीडियो को, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो सेम वीडियो को दूसरा बार क्रिएट नहीं किया, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया वो प्रोजेक्ट से हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर 9:16 दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, 1:1 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आपको इमेज को इस तरह से पूरा एडजस्ट कर लेना है, पूरा सेंटर पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। सभी इमेज को यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको एडजस्ट करना होगा इमेज पे क्लिक करना, इस तरह से आपको लेफ्ट एंड राइट आप करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है।
फिर से क्या करना है, इस वीडियो को आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो को आपको फिर से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट हो जाने दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा एलाइट मोशन ऐप पे जाएंगे, ठीक है गाइज। सेव ओनली पे क्लिक कर देने, तो देख सकते हो यहाँ पे हमने VN एप्लीकेशन पे दो वीडियो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा आपको यहाँ पे एलाइट मोशन ऐप, ठीक है, एलाइट मोशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस है, प्लस पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, सबसे पहले 9:16 रेशियो वाला वीडियो इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये एक हो गया, ये जो 1:1 ये वाला हो गया, इसको भी हमको ऐड करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं। फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, जो 9:16 रेशियो वाला वीडियो उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो 9:16 रेशियो वाला वीडियो है उसको सिंपल से नीचे लेके आना है, ठीक है, और थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर लेना है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा क्या कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो अगर व्हाइट बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका ऑडियो म्यूट कर लेना है किसी एक वीडियो का, ठीक है। उसके बाद 1:1 रेशियो वाला वीडियो को सिलेक्ट करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आना है, जूम लेयर पे आना है, इसका साइज जो है इसको आपको 800 कर लेना है, 800 कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे आना है, थर्ड ऑप्शन पे आना है, इसका शेडो आपको एनेबल कर लेना है, ठीक है। और इसको आपको यहाँ पे साइज इस तरीके से आपको यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है, 20 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, पोजीशन पे जाके एक्स को 0, वाई को 0 कर लेना है, ठीक है, हो गया। यहाँ से आपको बैक आना है, जो सेकंड वीडियो है 9:16 रेशियो वाला, इसको सिलेक्ट करना है, एफेक्ट्स पे आना है, एड एफेक्ट्स पे आना है, ब्लर पे जाना है, गेशियन ब्लर सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, कुछ भी चेंज करना नहीं है, सिंपल से ऐसे बैक आ जाना है, ठीक है। फिर से नीचे वाला वीडियो को सिलेक्ट करना है, जो 9:16 रेशियो वाला होगा, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है, इसका ओपेसिटी आपको कम कर लेना है, 75% कर लेना है, ठीक है। इतना तक हो गया, आप देख सकते हो इतना तक हो गया, ठीक है। इस तरीके से इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लिरिक्स है आपको यहाँ पे सुन लेना है, लिरिक्स जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, और आपको यहाँ पे लिरिक्स जो है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे लिरिक्स पता नहीं कौन सा लिरिक्स है, मैं भूल गया, इस तरीके से मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट के कॉर्नर पे क्लिक करना है, ताकि जो लिरिक्स है वो सेंटर पे आ जाए, ठीक है। सेंटर पे आ जाने के बाद फॉन्ट्स पे जाना है, और आपको एक फॉन्ट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। ऑटोग्राफी जो फॉन्ट है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कलर पे जाना है, वाइट कलर सिलेक्ट करना है, और साइज पे जाना है, इसको इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं यहाँ पे 28 PT कर लिया, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो पे आना है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके इसका शेडो एनेबल कर लेना है, और शेडो का साइज जैसा है वैसा ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, आपको जो लिरिक्स है सुन लेना है, जहाँ पे एंड हो रहा है उस पॉइंट पे आना है, ठीक है। इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, लिरिक्स पे क्लिक करना है, एफेक्ट्स पे आना है, एड एफेक्ट्स पे आना है, सर्च करना है WIPE, ठीक है। वाइप सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, वाइप को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। लिरिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, एंड पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग से थोड़ा पहले आपको यहाँ पे और एक प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले प्लस को आपको यहाँ पे 0 कर देना है, नीचे आना है, फेदर पे क्लिक करना है, इसको 15% कर लेना है, हो गया। ऐसे आपको बैक आ जाना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, फेड इन आउट सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, फेड इन आउट को ओपन करना है, इन को 0 कर लेना है, और आउट को 0.50 रहने देना है, ठीक है। तो अब देख सकते हो अभी लिरिक्स पे इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए क्या करना है, इस लिरिक्स पे क्लिक करना है, ऊपर से प्लस इस पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। सेकंड लिरिक्स जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे आके सिंपल से आपको यहाँ पे पेस्ट लेयर कर देना है। जहाँ पे थर्ड लिरिक्स एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट पे आ जाना है, और लिरिक्स को भी उस पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, लिरिक्स को कंप्लीट कर लेना है, और एडिट टेक्स्ट पे जाके जो भी आपका लिरिक्स है इसको सिंपल से लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिरिक्स कंप्लीट कर लेना है, आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना होगा, वीडियो को हाई रेजोल्यूशन करके नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ट्रेंडिंग वीडियो है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।